इतनी गरीब है हम लोग, और यहाँ हमारे मोहल्ले में इतने गरीब लोग रहते हैं, कहाँ हम लोग चले जाएंगे? अगर ये छोड़ भी दिया तो कहाँ रहेंगे जाके? हमारे पास इतना पैसा भी नहीं कि हम कहीं और जाके खरीद भी लेंगे। गरीबों के लिए मान्य बहन कुमारी मायावती जी ने पहले बहुत सारी व्यवस्थाएं की, उनके बच्चे पढ़ने के लिए और लिखने के लिए उनको बहुत सारी व्यवस्थाओं के लिए किया था, और स्कॉलरशिप की व्यवस्था बच्चों के लिए की थी। लेकिन फिर बीच में चलते चलते ऐसी स्थिति आई कि सरकारें बदलती रही, जिसमें हमारे इधर विधायक थे सुरेश श्रीवास्तव जी, जिन्होंने कोई भी विकास नहीं किया। हमारे इधर के लोग, ये सब जनता बहुत परेशान थी, पानी को लेके, लाइट को लेके, और ये केबल देखिए इनको लेके बहुत ज्यादा परेशान थी। आए दिन बिजली की समस्या थी इधर, तो हम लोगों ने विधायक जी के पास, सबके पास गए हैं, तो सब लोग यही बोलते हैं इधर कोई काम नहीं होगा, बजट नहीं आता है। आज लखनऊ में हूँ, लखनऊ में 171 विधानसभा ये पड़ती है और 12 जगह पड़ती है। यहाँ पर देखिए तमाम सर्वजन समाज से महिलाएं हैं जो निकली हैं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। पांचवी बार बसपा की सरकार क्यों, बसपा की सरकार क्यों चाहिए? परिचय दीजिए पहले अपना। मैं प्रतिभा गुप्ता हूँ, मेरा नाम प्रतिभा गुप्ता है। मैं बसपा की सरकार इसलिए चाहती हूँ, जो भी सरकार आई है मैंने और सबकी सारी सरकारों में काम देखा है, कुछ काम अच्छा नहीं लगा है। इससे पहले भी बहुत सी सरकार आ चुकी, अभी देखिए बसपा चल रही थी, जिसमें हमारे इधर विधायक थे सुरेश श्रीवास्तव जी, जिन्होंने कोई भी विकास नहीं किया। हमारे इधर के लोग, ये सब जनता बहुत परेशान थी, पानी को लेके, लाइट को लेके, और ये केबल देखिए इनको लेके बहुत ज्यादा परेशान थी। आए दिन बिजली की समस्या थी इधर, तो हम लोगों ने विधायक जी के पास, सबके पास गए हैं, तो सब लोग यही बोलते हैं इधर कोई काम नहीं होगा, बजट नहीं आता है, बजट नहीं आता। तो भाई आप लोग विधायक किस बात के हैं ये बताइए? आप लोग मंत्री किस चीज के बने हैं? जनता आप ही लोगों को मंत्री विधायक चुनती है, पिता के समान चुनती है, ताकि अपनी गरीबी पिता से लोग कह सके आप विधायक हैं, हम लोग आपको पिता मानते हैं, हम लोग गरीब जनता आपको पिता के समान देखते हैं, कि चलो जैसे बच्चा अपनी कोई परेशानी है बाप से कह सकता है, ठीक है इसी तरीके से हम लोग, लेकिन आप लोग हम लोगों की समस्या नहीं सुनते हैं, तो आपको विधायक क्यों बनाया जाए? ये बड़ा मुद्दा है कि विधायक जो क्षेत्र में नहीं आते, आपका ये आरोप है? जी बिल्कुल, मतलब जो वर्तमान में जो विधायक हैं वो क्षेत्र में नहीं आते, कभी नहीं देखने आए, कुछ विकास नहीं, कभी ये नहीं देखा कि उनकी जनता, उनके बच्चे कैसे परेशान है, क्या झेल रहे हैं, समस्याएं किस चीज की समस्या है? बिजली पानी जिस तरीके से आपने समस्याएं बताई हैं, शिक्षा महिलाओं की शिक्षा के ऊपर क्या यहाँ पर विशेष ध्यान है कुछ सरकार? कोई शिक्षा का ध्यान नहीं है। बेटी को लेकर वो सरकार आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या बेटी के लिए कोई उनका योजना है यहाँ पर? क्या योजना है हमको तो नहीं कुछ समझ में आ रहा, सबकी बिचारों की पढ़ाई बंद है, किसी के पास मोबाइल नहीं है तो वो कैसे पढ़ाई करेंगे ऑनलाइन, स्कूल वो बंद हो गए हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार हमारे कैमरामैन दिखाएं जरा इन छोटे छोटे बच्चों को, बेटा इधर आओ, सब लोग ये सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, इधर आओ, इधर थोड़ा पीछे जाके दिखाइए एक बार, इन बच्चों को भी दिखाया जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे जाके हम पूछते हैं कि बच्चों कैसे पढ़ेंगे, अब नहीं किसी के पास में है तो मैं कुछ बच्चों को, तो सबको तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल जरूर देती हूँ कि बच्चे उस तरीके से पढ़ सके। पढ़ते हैं बच्चे जी। तो अच्छा, ये तो शिक्षा हुई, सड़क हुई, नाली हुई, पानी हुई, चिकित्सा के ऊपर क्या यहाँ पर है? कुछ नहीं, आप थोड़ी मेरी जनता कुछ नहीं है, महिलाएं बीमार जाती हैं, महिला संबंधी कुछ, बेटा आगे चल जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ पास में कुछ नहीं है, बुद्धेश्वर जाना पड़ता है। बुद्धेश्वर मतलब आसपास में कोई सरकारी? आसपास कुछ नहीं है, बुद्धेश्वर जाना पड़ता है। स्कूल के लिए बच्चों को? स्कूल के लिए भी बच्चे दूर दूर जाते हैं, यहाँ पास में नहीं है। और एक पास में सरकारी स्कूल में एडमिशन कराने जाओ तो वो कहेंगे कि यहाँ बच्चे बहुत हैं, हम एडमिशन नहीं लेंगे, हम कई बार अपनी बिटिया को लेके गए नहीं एडमिशन के लिए। मतलब बच्चे अनुपात से ज्यादा हैं स्कूल में सीट कम है? सीट कम है और टीचर भी नहीं है। नया सरकारी स्कूल खोलो, हमें इस बात से क्या मतलब है? तो ये बात मैंने कही तो कहने लगे जहाँ पुराना हो वहाँ जाइए, अब हम कहाँ पुराना ढूंढे, कहाँ कहाँ जाए हमें। ये भी एक बड़ी समस्या इस क्षेत्र की है कि जरूरत से ज्यादा सरकारी स्कूल के अंदर बच्चे हैं, और सरकारी स्कूल में जैसे कि आरोप लगाया गया है कि इनके बच्चों को जगह नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ यहाँ पर संतोष जी हैं, संतोष जी आइए, संतोष जी मुझे बताइए जिस तरह की समस्याएं आप देख रहे हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, जगह जगह घूमकर आप बसपा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्यों बसपा की सरकार और सरकार और ये जनता, गरीब जनता बसपा को क्यों वोट दे? दरअसल सबसे पहली बात है कि बहुजन समाज पार्टी गरीबों की पार्टी है जी, और ये गरीबों के लिए ही हमेशा विकास का कार्य करती है, और बहुजन समाज पार्टी
गरीबों के लिए हर व्यवस्था करने की सोचती है और बहुजन समाज पार्टी एक सोच ही है गरीबों के लिए। तो गरीबों के लिए माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने पहले बहुत सारी व्यवस्थाएं की, उनके बच्चे पढ़ने के लिए और लिखने के लिए उनको बहुत सारी व्यवस्थाओं के लिए किया था और स्कॉलरशिप की व्यवस्था बच्चों के लिए की थी। लेकिन फिर बीच में चलते चलते ऐसी स्थिति आई कि सरकारें बदलती रही और इस समय तो ऐसी स्थिति हो गई है कि बच्चों की स्कॉलरशिप आती थी वो भी बंद हो गई है। तो गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति जो मिलती थी वो बंद कर दी गई है। मैडम गरीब बच्चों को चाहे उसमें स्वर्ण के बच्चे हो चाहे इसमें तो जातिवाद नहीं है, वो तो हर गरीब के लिए थी, हर गरीब के लिए थी। लेकिन अब तो इस समय तो कोई स्कॉलरशिप बच्चों की नहीं आ रही है, बच्चों की पढ़ाई तो बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। बच्चे पढ़ के करेंगे क्या जब सरकारी नौकरी नहीं है, हर जगह तो ठेकेदार है। हाँ ये तो बात सही है आपकी, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं बच्चों को इतना पढ़ के इतनी तो शिक्षा कर सकते हैं, नहीं है कहीं पे जाके कुछ काम तो कर सकते हैं। जब वो बिल्कुल शिक्षित नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे? शिक्षित नहीं होंगे तो पकौड़े तलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं पकौड़ा तलना भी एक स्किल है। नहीं, सबसे मेन चीज है जी, हमें समझने की शिक्षा तो सबसे जरूरी चीज है जी। शिक्षा नहीं है तो समझ लीजिए कि समाज में किसी पकौड़ा भी अगर तलेंगे ठीक है, तो अगर वो पढ़े नहीं है तो वो 10 रुपए का पकौड़ा होगा तो आदमी 100 रुपए उनको देगा तो वापस कैसे करेंगे? आगे पैसे कैसे वापस करेंगे? कैसे काटेंगे? कैसे तो पैसे कैसे काटेंगे? 10 रुपए कैसे काटेंगे? 90 कैसे देंगे? ये भी तो एक बड़ा मुद्दा है। चाहे 10 रुपए की अगर वो बेचेंगे तो उसको अगले को पैसे 10 रुपए कैसे लेंगे, वापस कैसे करेंगे? ये भी बड़ा मुद्दा है। तो अभी क्या लगता है 2022 में आप लोग सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगे? हम निश्चित रूप से, और निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की इस बार सरकार बनेगी, इसलिए कि सभी हमारे बहुजन समाज पार्टी के जितनी भी और सर समाज को जो लेकर हम लोग चल रहे हैं और सर समाज जुड़ा हुआ है हमसे, और निश्चित रूप से सरकार बनने पर हम सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी कि नारी सशक्तिकरण और विकास सबसे सर्वोपरि रखा जाएगा और बच्चों की शिक्षा हम लोग सीधे सीधे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था शिक्षित बनने शिक्षित होने की बात, तो हम लोग शिक्षित होने पर ही विशेष ध्यान देंगे। आगे इधर आओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शगुन है। शगुन कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? मैं हाई स्कूल में हूँ, 10th में। 10th क्लास में पढ़ते हो, कब से इस कॉलोनी में रह रहे हो, कितने साल हो गए? मुझे तो हाँ जब से मैं पैदा हुई थी तब से ही आते, बचपन से ही आ रहती हूँ। मतलब कैसे आप लोग यहाँ पर रह पाते हो? सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बहुत दिक्कतें होती है। जब बारिश होती है तो सामने आप इतना कीचड़ होता है कि निकलने में भी मुश्किल है, स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो पापा से कहानी के पापा ये घर चेंज कर दो, कहीं दूसरी जगह रहने चलते हैं। इतनी गरीब है हम लोग और यहाँ हमारे मोहल्ले में इतने गरीब लोग रहते, कहाँ हम लोग चले जाएंगे? अगर ये छोड़ भी दिया तो कहाँ रहेंगे जाके? हमारे पास इतना पैसा भी नहीं कि हम कहीं और जाके खरीद भी लेंगे या फिर रह लेंगे किराए पे ही। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, सरकार की और हमारे यहाँ के सभासद जो भी है उनके यहाँ कोई भी जाता है तो यहाँ कहते हैं यहाँ नाले पर का काम नहीं होगा और यहाँ पे कोई कभी सिर्फ वोट मांगने आते हैं और इसके बाद से कभी यहाँ झांकने नहीं आते हैं। तो ये मुख्य समस्याएं हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो BSP के जो प्रत्याशी हैं कायम रजा खान साहब, उनकी प्रतिनिधि के रूप में प्रतिभाजी हैं। प्रतिभाजी क्यों आपके कैंडिडेट को कायम रजा खान साहब को यहाँ की जनता वोट दे, क्या उनका एजेंडा रहेगा? कायम रजा खान जी इसलिए उनको वोट दे कि वो देखिए उनको तो 120 साल हो गए हैं प्रधानी जीतते हैं वो जी। उनको बहुत नॉलेज है जनता को क्या चाहिए, जनता को चाहिए रोड, लाइट, पानी, और वो इस चीजों को बहुत अच्छी तरीका से जानते हैं। इधर अभी लाइट की बहुत समस्या थी, साल भर पहले लाइट, अरे कम से कम 4-4 दिन लाइटें नहीं आती थी ना इधर, लाइट नहीं आती थी। तो मैंने कायम रजा जी से कहा कि भैया इधर थोड़ी समस्या लाइट की है, उन्होंने बहुत कोशिश की है तो जाके इन्होंने ट्रांसफार्मर लगवाया। आप ये चीज सबसे पूछ सकते हैं, बताइए आप लोग ट्रांसफार्मर इधर लगा 7 महीने पहले नहीं? ट्रांसफार्मर लगा और हम लोगों को पानी बहुत दिक्कत थी और टंकी रखवाई तो हम लोगों को पानी पीने का मिलता है। कायम रजा ने टंकी धरवाई, हम लोगों को पानी मिला और तो वो ट्रांसफार्मर प्रत्याशी तो मुझे लगता खासे लोकप्रिय है जी। बिल्कुल, इस बार जीत उनकी सुनिश्चित है बिल्कुल। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? क्षेत्र की जनता में ये कहूंगी एक बार जो हमारे क्षेत्र में कायम रजा खान जी जो खड़े हुए हैं, एक वो बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, आप लोग एक बार उनका सपोर्ट करिए। आप लोग खुद दोबारा उनको अपने आप विधायक बना के लाएंगे और उनको आगे चल के मंत्री भी बनाएंगे, ये मेरा आप लोगों से दावा है। आप लोग खुद उनको मंत्री भी चुनेंगे। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।
सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।